फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बारे में। ठीक है, विज्ञान विषय के बारे में क्या बात करेंगे, त्रैमासिक जो परीक्षा आपकी चल रही है, कल आपका विज्ञान का पेपर है और अब तक हमारे जितने भी पेपर हुए हैं गणित, इंग्लिश और हिंदी, तीनों ही सब्जेक्ट में हमने देखा है कि हमें किसी भी प्रकार से यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ मिल रहे हैं कि वायरल पेपर कोई भी पेपर वायरल नहीं हुआ है, कोई भी सटीक पेपर नहीं हुआ है, तो हमको तैयारी करनी ही पड़ेगी, हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर हम पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तैयारी करनी है, मेहनत करनी, तो कैसे करें, किसी निश्चित दिशा में यदि आप मेहनत करते हैं, सटीक दिशा में मेहनत करते हैं, तो आपकी मेहनत रंग लेकर आती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट में से क्वेश्चन आने वाले, तो मैं बता दूँ आपका सिलेबस जो है वो अध्याय 1, 2, 5, 6, 8 और 9, ये 6 पार्ट आपको याद करने हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 1, 2 और 5, 3 अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर भी बताने वाला हूँ। आपको बस यही याद करना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना है, किसी पेपरबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, या किसी भी, है ना, कोई भी हो, जैसे कि हम कहते हैं कि ये पेपर आएगा, वह पेपर आएगा, इसमें आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है। आपको तो बिल्कुल सटीक जो है यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर याद करना है, क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर सारे ही अच्छे से याद करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और इनको यदि और अच्छे से आपको देखना, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखना है, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कक्षा 9th विज्ञान प्रश्न बैंक 2022-23, वहाँ पर आप और तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको वही याद करना है, जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, और एक एक करके यदि मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो में है, इसी PDF में है, है ना। देखिए इसके नीचे लिखे हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ही यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 6 के ही आंसर यहाँ पर हैं। ठीक है, अब बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये खालिस्तान है, ठीक है, इन खालिस्तान में आपको ये भरना है, ओके, और इसके बाद में ये है ना, एक शब्द एक वाक्य के उत्तर वाले हैं, इनके आंसर भी है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, है ना, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये परीक्षा में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं आगे, निक्षेपण किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, है ना, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 की, है ना, ये आपको अध्याय 1 में से इतने क्वेश्चन याद करना है। अध्याय 2 की बात कर लें, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो विलयन कहलाता है, है ना, इसके आंसर्स भी यहाँ पर है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को पॉज करके आसानी से, है ना, आसानी से अपना जो है स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में लिख के इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना है। ठीक है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय क्या है, तो विलेय जो है वो क्या है, आयोडीन विलेय है इसमें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है। खालिस्तान देख लें, है ना, ये मिल जाएंगे आपको, एक शब्द एक वाक्य। और इसके बाद में देखिए, धातु अधातु में 2 अंतर, और आश्वन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, प्रभाजी आश्वन किसे कहते हैं, उपधातु क्या है, एक उपधातु का नाम लिखिए, तो वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु के, जैसे बोरान, सिलिकान। तत्व यौगिक में क्या अंतर होते हैं आपके सामने है, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए, है ना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ गई। मिश्रण यौगिक में 2 अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करके आसानी देख सकते हो। मिश्र धातु किसे कहते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए, है ना, तो ये हो गए आपके, है ना, अध्याय 1 और अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको यही याद करना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अध्याय 5 की, जो कि जीवन की मौलिक इकाई से लिया गया है, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना, कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक है, पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो सेलुलोज द्वारा बनती है ना, गुणसूत्र निर्मित होते हैं, किसके निर्मित होते हैं, तो ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, और DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं, केंद्रकाय पाया जाता है, है ना, तो केंद्रकाय कहाँ पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 5 के। 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के DNA राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकांड्रिया, है ना, का अपना DNA होता है, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, प्लास्टिड में भी अपना DNA होता है और राइबोसोम, है ना, होता है। ठीक है, ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अधोसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद ही करना है। ठीक है, और आगे बात करें, प्लास्टिड क्या होते हैं,
और क्लोरोप्लास्टिक के क्या कार्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका के तीन कार्य आपको इसमें लिखना है। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में हमने आपको अध्याय 1, 2 और 5 है ना, तीनों अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। आपको सिर्फ यही याद करना है, आपके पास समय है अभी है ना, किसी भी जो है डाइवर्सन में नहीं पढ़ना है आपको और आराम से आपको तैयारी करनी है। अगले पार्ट में हम आपको 6, 8 और 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली कल आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।